मतलब कोई रो सकता है लेकिन सो नहीं सकता, रो सकता है लेकिन सो नहीं सकता। वी डोंट वांट नेगेटिविटी, हम ऐसा नहीं चाहते कि वो डिसअपॉइंटेड फील करे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी रश में। डांस रियलिटी शो की बात की जाए तो दो चीजें लोग सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं, एक तो कंटेस्टेंट का अच्छा डांस और दूसरा माधुरी दीक्षित का एक्सप्रेशन। वेलकम टू हिंदी रश मैम। थैंक यू। और सेकंडली हमारे साथ है शशांक खेतान, जो न्यू एज सिनेमा के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। सो वेलकम टू हिंदी रश। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा आप लोगों से कि एक होता है जब आप काम करते हो और लोग जज करते हैं, लेकिन जब आप डांस के इतने जो भी परफॉर्म करते हैं कंटेस्टेंट उनको जज करते हैं, जब आप अलग रोल निभाते इस तरह से जज का, तो क्या प्रेशर फील करते हैं, क्या कुछ मन में चल रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं उन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील ना हो, क्या कुछ रहता है? या बिल्कुल, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब हमें कुछ कहना है उनसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिवली कहना चाहते हैं हम हमेशा। वी डोंट वांट नेगेटिविटी, हम ऐसा नहीं चाहते कि वो डिसअपॉइंटेड फील करें, सो वी ऑलवेज ट्राई टू गिव अ पॉजिटिव फीडबैक। जी, और मैं तो क्या, मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं जब क्रिटिक्स के रिव्यूज़ पढ़ता हूँ इतना डरता हूँ कभी कभी, और जो चीज़ें लिखते हैं वो इतना दिल टूटता है उससे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब मैं जजिंग करूँ तो आई बी रीजनेबल, और हमारे कंटेस्टेंट्स कुछ 5 साल के होते हैं और कुछ 70 साल के होते हैं, तो वी आर ट्राइंग कि हम ना जितने अच्छी तरह मुस्कुरा के उनको कुछ एक पॉजिटिव फीडबैक दे पाएँ, हमारी कोशिश वो रहती है। ओके, मेरे पास कुछ फन क्वेश्चंस हैं एंड आप लोगों को आंसर करना है, रिलेटेड जितना आपने शूट किया और जितना आप एक दूसरे को जानते हैं। ओके, सो कौन 10/10 इजीली दे सकता है? किस बारे में? कंटेस्टेंट्स को परफॉर्मेंस देखकर। सो हमारे फॉर्मेट में प्ले, पॉज और रिवाइंड है, मार्क्स नहीं है। माधुरी मैम सबसे ज्यादा प्ले देती है, मतलब इनका दिल इतना पिघल जाता है ना कि अरे बेटा तुम बहुत अच्छे थे, पॉज। ओके, कौन डांस का टेक्नीशियन है, लाइक ये थोड़ी-थोड़ी चीजें भी नोट करवाता है कंटेस्टेंट को? ये तो हमारे गुरुजी हैं, तुषार, हमारे तुषार, हमारे जो तीसरे जज जो अभी फिलहाल मिसिंग है, करेक्ट वो है। ओके, कौन सेट पर कभी भी सो सकता है, क्योंकि आई नो कि ये शूट्स बहुत लंबे चलते हैं, हमें सोने का मौका ही नहीं देना, हमारे साथ बहुत, मतलब कोई रो सकता है लेकिन सो नहीं सकता, रो सकता है लेकिन सो नहीं सकता। ओके, कौन माधुरी मैम के सामने सबसे ज्यादा नर्वस होता है, आप में और तुषार में? पूरा सेट, पूरा यूनिट, मैम एंटर करती है सब नर्वस हो जाते हैं। ओके, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, आई थिंक जो सबसे बेस्ट चीज हुई है इस शो की, कि एक तो हम मिले हैं और दूसरी चीज सब बहुत कंफर्टेबल हैं, कोई नर्वसनेस नहीं। इनफैक्ट आई थिंक जो हमारे कंटेस्टेंट्स भी आते हैं, they are very happy to be there. इनफैक्ट मैंने भी सी ज्यादा सब खुश होते हैं, कोई नर्वस नहीं होता। ओके, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन देता है कंटेस्टेंट्स को? सभी देते हैं। और मैम एक परफेक्ट कहती थी जी, पर वो अगर आप कह दे ऑडियंस, वो मैं एक दूसरे शो में कहती थी, लेकिन मैं कह सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं, दैट्स योर परफेक्ट। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू, प्लीज टेक केयर, थैंक यू, लव यू, प्लीज सब्सक्राइब टू हिंदी रश।